हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। इसके लिए हमें आली, अनार के दाने, सेब, केला, आम, अंगूर, कस्टर्ड पाउडर, दूध और शक्कर। सबसे पहले हम एक पैन में दूध को गर्म करेंगे, जो हमने आधा लीटर दूध लिया है। और इसको लगातार चलाते जाएंगे। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड बना के तैयार कर लेते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हमें ठंडे दूध की ज़रूरत होगी। गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डालने से लम्स पड़ जाते हैं, तो हम ठंडे में सबसे पहले एक कटोरी दूध लेंगे और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालकर मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे दूध में भी उबाल आ चुका है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ था, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद, कस्टर्ड मिल्क जो हमने बनाया है वो डालने के बाद, हम उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब इसमें हम शुगर डालेंगे, और अगर हम इसको और डालना चाहते हैं तो हम इसमें शुगर की जगह शहद का यूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम शहद का यूज़ करेंगे तो हमारा कस्टर्ड और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। में दो तीन उबाल आने तक हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। अब 5 मिनट बाद तक इसको ठंडा करने के बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हमने जो फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, सारे हम फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। मैंने केला जो हमने काट के रखा हुआ था, सेब, के दाने, अंगूर, पके हुए आम के टुकड़े हम इसे मिक्स कर लेंगे।
और मिक्स करने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो हमारा कस्टर्ड तैयार है, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।